हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग जिन्हें हमें सर्जरी से पहले स्टॉप कर देना चाहिए या फिर उनके डोजेज में चेंजेस करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये कैसी मेडिसिन होती हैं जो हमारी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या फिर मेडिसिन्स होती हैं, इन्हें हमें 4 वीक पहले बंद करना होता है। फोर वीक पहले स्टॉप करना होता है। फिर हमारे पास एड ओरल एंटीकोगुलेंट्स। तो ओरल एंटीकोगुलेंट्स कौन सी मेडिसिन होती हैं? तो ये ऐसी मेडिसिन है जो कि कोगुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, यानी कि ब्लड के थक्का जमने को रोकती हैं। तो फिर ऐसी जो मेडिसिन होती हैं, इन्हें हमें 4 डे बिफोर सर्जरी स्टॉप करना होता है। फिर हमारे पास एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो जो हमारी एंटी प्लेटलेट ड्रग होती हैं, ये भी ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करती हैं। इसमें हमारे पास कुछ ड्रग हैं, जैसे है कॉल्पिड्रोजेल। इसे हमें सर्जरी से 5 दिन पहले स्टॉप कर देना चाहिए। फिर हमारे पास डायपेरिडामोल। इसे हमें 48 आवर बिफोर सर्जरी स्टॉप कर देना चाहिए। फिर हमारे पास टिक्लोपिडिन। इसे हमें 14 डे बिफोर सर्जरी स्टॉप कर देना चाहिए। फिर है हमारे पास इप्टीफिवेटाइड। इसे हमें 8 आवर बिफोर सर्जरी स्टॉप करना होता है। फिर है हमारे पास नेसेट्स। तो नेसेट्स जो हमारी मेडिसिन होती हैं, नेसेट्स का क्या मतलब है? नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इन्हें हमें 48 आवर बिफोर सर्जरी स्टॉप कर देना चाहिए। फिर हमारे पास लिथियम एंड लेमेट्रोजाइन। तो ये कौन सी मेडिसिन होती हैं? जो हमारी लिथियम एंड लेमेट्रोजाइन मेडिसिन होती हैं, ये एपिलेप्सी और बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। इन जो हमारी पुरानी गाइडलाइन थी, उसमें इन्हें हमें ओल्ड गाइडलाइन जो थी उसमें 48 आवर बिफोर सर्जरी इन्हें स्टॉप करना होता था, लेकिन जो हमारी न्यू गाइडलाइन है उसके मुताबिक ये कंटिन्यू रहेंगी। फिर हमारे पास एंट्रिकुलाइन स्टोरेज। तो ये कौन सी मेडिसिन होती है? जो हमारी एंट्रिकुलाइन स्टोरेज मेडिसिन होती हैं, ये मसल की डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, जैसे कि मास्थेनिया ग्रेविस, और इन्हें हमें डोज एडजस्टमेंट के साथ कंटिन्यू करना होता है। फिर हमारे पास हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन में जितने भी उनमें कमर्शियल प्रिपरेशन है, जैसे कि जिनमें जिंजर गार्लिक ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, उन्हें हमें 1 वीक बिफोर सर्जरी स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे ब्लीडिंग प्रोफाइल को इफेक्ट कर सकती है, ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकती है। फिर है हमारे पास वियाग्रा और सिमिलर ड्रग। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें हमें 24 आवर बिफोर सर्जरी स्टॉप करना होता है। ये मेडिसिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। फिर है टॉपिकल मेडिसिन। तो आप ही सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि टॉपिकल मेडिसिन कैसे इफेक्ट कर सकती है सर्जरी को। तो ये इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि आप सपोज करिए कोई टॉपिकल मेडिसिन यूज़ करते हैं, और आप जब कभी ऑपरेशन थिएटर में इंटर करते हैं, तो हम वहाँ पे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से
स्किन को या पार्ट को प्रिपरेशन करते हैं बिफोर सर्जरी, तो उस टाइम पे ये ऑइंटमेंट उससे रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसे हमें सेम डे सर्जरी के स्टॉप करना होता है। फिर है डायुरेटिक्स। डायुरेटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एडिमा, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, इन्हें हमें सेम डे सर्जरी के स्टॉप करना होता है। फिर है डिसल्फिराम। ये कैसी मेडिसिन होती हैं? ये मेडिसिन क्रोनिक एल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, जिन्हें हमें सर्जरी से 10 दिन पहले स्टॉप करना पड़ता है। फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, तो ये तो सभी जान रहे होंगे, ये टीबी को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, ऐसी मेडिसिन को हमें कंटिन्यू करना होता है, बट लीवर फंक्शन इज मैंडेटरी।